नमस्कार, मैं मोनिका राणा। यह है जागो हिमाचल 365, डर के नहीं डटके, और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेगी बसें। खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे 3,233 पद, SMC शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। जुलाई में होगी कॉलेजों की परीक्षाएं, अभी बंद रहेंगे स्कूल, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। कोरोना की तीसरी लहर, बच्चों के लिए घातक, अलर्ट जारी, संक्रमित बच्चों का घर पर ही करें उपचार। प्रदेश के 53 दवा कंपनियों में छापे, निरीक्षण के दौरान 10 इकाइयों में पाई गई अनियमितताएं। ऑनलाइन FD पर ठगे 7.5 लाख, बिलासपुर के कुठेड़ा के ग्रामीण के शातिरों ने लगाए चपेट। पहले 2 से फिर 1 लाख की चपट, घुमारवी के ग्रामीण को तोहफे का लालच देकर महिला ने निकलवाए पैसे। अवैध खनन की शिकायत पर बंदूक से धमकाया, ऊना के नंगड़ा में माफिया ने शिकायतकर्ता को दी मारने की धमकी। वीरभद्र सिंह फिर कोरोना पॉजिटिव, IGMC शिमला में भर्ती, 7 दिन में दूसरी बार वायरस ने जकड़े। प्री मानसून ने हिलाया हिमाचल, गुरुवार शाम गर्जन के साथ हुई जोरदार बारिश से डरे लोग। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हल्ला बोल। उप डाकघरों में भी जमा होंगे बिजली बिल। टहलिफ चौक में पुलिस के सामने चली लाठियां। चुवाड़ी में पति ने पत्नी के सिर पर किया कुल्हाड़ी से वार। अब बिना टेस्ट के आ सकेंगे सैलानी। हमीरपुर पुलिस ने नष्ट की लाखों रुपए की चरस व ड्रग, नाकों के दौरान पकड़ी थी नशे की खेप। मेरे लिए गौरव की बात, श्रीलंका दौरे पर कप्तान बनाए जाने पर शिखर धवन की प्रतिक्रिया। ईशांत की जगह सिराज बेहतर ऑप्शन, WTC फाइनल पर बोले भज्जी, 3 पेस बॉलर के साथ उतरे भारत। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। अब खबरें विस्तार में। हिमाचल में 14 जून से 50% सवारियों के साथ 24 घंटे चलेगी बसें। हिमाचल प्रदेश के भीतर सोमवार 14 जून से 24 घंटे सरकारी और निजी बसें 30% सवारियों के साथ चलेंगी। परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें परिवहन सेवा पर लागू नहीं होंगी। प्रदेश में लंबे रूटों को ध्यान में रखते हुए बसों को 24 घंटे चलाने की व्यवस्था की गई। अभी अंतर्राज्यीय बसें सेवा भी शुरू नहीं की जाएगी। बसों में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। सवारियों के पास सैनिटाइजर, 3 वाली सीट पर 2 और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। इसके लिए परिवहन विभाग SOP जारी करेगा। बस में सफर करने वाले व्यक्ति के लिए टिकट ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई है, लेकिन निर्णय लिया गया है कि अभी दूसरे राज्यों के परिवहन महकमे के साथ इस पर चर्चा होगी, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि परिवहन निगम 1,000 के करीब रूटों पर बसें चलाएगा। सवारियां बढ़ने के साथ रूटों को बढ़ाया जाएगा। इधर निजी ऑपरेटरों ने भी बसें चलाने को लेकर शनिवार को बैठक बुलाई है। हालांकि ये ऑपरेटर बसें चलाने को राजी हो गए हैं। खुला सरकारी नौकरियों का पिटारा, भरे जाएंगे 3,233 पद, SMC शिक्षकों का मानदेय बढ़ा। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों का पिटारा खुल गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में करीब 3,233 पदों को भरने का फैसला लिया गया है। जल शक्ति विभाग में ही पैरा वर्कर्स के 2,322 पद भरे जाएंगे। करीब 500 पेयजल योजना और 50 सिंचाई योजनाओं की देखरेख और सुचारू संचालन में कर्मचारियों की कमी के कारण दिक्कतें आ रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने पैरा वर्करों के पद भरने की कवायद शुरू कर दी है। ये भर्ती मंडल स्तर पर होगी। इसमें विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और बहुउद्देशीय पैरा वर्कर लगाए जाएंगे। इन्हें प्रति माह 3,300 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 550 पेयजल और सिंचाई योजना में इनकी सेवाएं ली जाएंगी। मंडल स्तर पर एक कमेटी इनकी नियुक्ति करेगी। इनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अंक दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने आज जमशेद शिमला के ट्रॉमा और टर्सरी केयर सेंटर, कैंसर और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चमियाना में विभिन्न श्रेणियों में 401 पदों को सृजित करने और भरने की मंजूरी दी। इसके अलावा आउटसोर्स पर विभिन्न श्रेणियों के 328 पदों को भरने का फैसला लिया। कैबिनेट ने 4 मेकशिफ्ट अस्पतालों में आउटसोर्स स्टाफ नर्स, स्टाफ सिस्टम समेत 150 कर्मचारी तैनात करने का निर्णय लिया है। जुलाई में होगी कॉलेजों की परीक्षाएं, अभी बंद रहेंगे स्कूल, कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में जुलाई महीने में विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। UGC की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार जुलाई माह से स्नातक व शास्त्री अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। कॉलेजों की प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं इसके बाद आयोजित की जाएंगी। कॉलेजों में स्नातक स्तर की कक्षाएं अगस्त के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। 23 जून से सभी मेडिकल, आयुर्वेदिक और डेंटल कॉलेज खुलेंगे। फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज 28 जून से खुलेंगे। कैबिनेट के फैसले से प्रदेश में 1.35 लाख विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली है। परीक्षा की तैयारियों के लिए प्रदेश विश्वविद्यालय को भी अतिरिक्त समय मिल गया है। विश्वविद्यालय 15 जून के बाद कभी भी परीक्षा का शेड्यूल जारी कर सकता है। परीक्षाएं करवाने के लिए विश्वविद्यालय को कम से कम 1 महीना लगेगा। स्पॉट मूल्यांकन शुरू करने पर भी परिणाम तैयार करने में 1.5 माह का समय लगना तय है। अंतिम वर्ष में BSc, BA, BCom और शास्त्री कोर्स के करीब 35,000 विद्यार्थी हैं। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक, अलर्ट जारी, संक्रमित बच्चों का घर पर ही करें उपचार। कोरोना की तीसरी लहर छोटों बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि हल्के COVID-19 लक्षणों वाले बच्चों का उपचार होम आइसोलेशन में किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 10 जून तक राज्य में 1,97,438 लोग कोरोना महामारी से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकतर मामले 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि संभावित तीसरी लहर के आने से बच्चे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, जिसके दृष्टिगत राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हालांकि हल्के लक्षण वाले मामलों में सांस की तकलीफ नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि मध्य व गंभीर मामलों में सांस लेने में कठिनाई व ऑक्सीजन के स्तर का 94% से कम होना भी शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 6 मिनट वॉक टेस्ट माता पिता व अभिभावकों की देखरेख में लक्षणों को उजागर करने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों के उपचार में रेमडेसिविर या स्टेरॉइड का उपयोग नहीं किया जा सकता। बिना लक्षण वाले संदिग्ध मामलों और गले में खराश, नाक बहने और COVID-19 के हल्के लक्षणों वाले व अन्य मामले जिनमें सांस लेने में कठिनाई ना हो कि होम आइसोलेशन में देखभाल की जानी चाहिए। प्रदेश में 53 दवा कंपनियों में छापे, निरीक्षण के दौरान 10 इकाइयों में पाई गई अनियमितताएं। हिमाचल में दवा उद्योगों में निर्मित की जा रही दवाओं के नशे के लिए हो रहे दुरुपयोग को रोकने के मकसद से स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन मोड में आ गया है। इसी कड़ी में उन तमाम दवा निर्माता उद्योगों पर औचक निरीक्षण कर शिकंजा कसा जा रहा है, जिनमें निर्मित दवाओं का नशे के लिए दुरुपयोग होने की संभावना है। बीते एक सप्ताह के अरसे में स्टेट ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन द्वारा गठित 5 टीमों ने सोलन, BBN, ऊना, सिरमौर और कांगड़ा जिले में स्थित 53 दवा निर्माता इकाइयों का गहन निरीक्षण किया, जिनमें से 10 इकाइयों की अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें BBN की 9 व काला आम की 1 इकाई शामिल है। स्टेट ड्रग कंट्रोल एसोसिएशन ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए BBN स्थित 2 दवा निर्माण इकाइयों में तत्काल प्रभाव से उत्पादन बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके अलावा 2 दवा उद्योगों में दवाइयों के स्टॉक को फ्रीज कर दिया गया है, जबकि 6 दवा कंपनियों को रिकॉर्ड पेश करने के लिए नोटिस थमाया गया है। फिल वक्त से ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के इस कार्रवाई ने तमाम दवा उद्योगों में हड़कंप मचा दिया है। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी, दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा, मैं अनुराग, मैं शिल्पा, मैं मोनिका राणा।
मेरा नाम है आशीष, ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलकुश टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकुश न्यूज के साथ। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का हल्ला बोल। पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों पर महिला कांग्रेस लाल हो गई है। शुक्रवार कांग्रेस द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन कर महंगाई के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। शिमला में महिला कांग्रेस ने विकास नगर स्थित पेट्रोल पंप के आगे धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल के नेतृत्व में महिला कांग्रेस नेत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ बैनर में पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के बड़े मूल्यों को जनहित में वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई से आज महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। रसोई गैस आज 900 रुपये से ऊपर मिल रहा है, जबकि सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार पेट्रोल व डीजल के हर रोज मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि कच्चे तेल के मूल्य निम्न स्तर पर हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपनी तिजोरी भरने में लगी है और लोगों को महंगाई थोप रही है। लगातार दामों के बढ़ने से महामारी के दौरान लोगों को घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उप डाकघरों में भी जमा होंगे बिजली बिल। हिमाचल प्रदेश के उप डाकघरों में अब लोगों को लोकमित्र केंद्र जैसे सेवाएं मिलेंगी। ग्रामीण स्तर पर स्थापित उप डाकघरों में उपभोक्ताओं को बिजली बिल, फोन रिचार्ज, LIC की किस्त अदा करने तथा डिजिटलाइज्ड सर्टिफिकेट अपडेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। लगभग सभी उप डाकघरों में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। इसके लिए ब्रांच स्तर पर पोस्टल मास्टर को वर्चुअल माध्यम से परीक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षित होने के बाद पोस्टमास्टर के माध्यम से ये सेवाएं उपभोक्ताओं को मिलना शुरू होंगी। इन सेवाओं को सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इन्हें घर के नज़दीक ही ये सेवाएं मिल जाएंगी, जिससे इनके समय की भी बचत होगी। बता दें कि इससे पूर्व डाक विभाग में ये सेवाएं महज डाकघर स्तर पर ही मिल रही थी, क्योंकि डाकघर किसी क्षेत्र में एक ही होता है, तो उस क्षेत्र के लोगों को इन सेवाओं के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर तक भी जाना पड़ता है। लेकिन अब प्रांत स्तर भी यह सुविधाएं जल्द ही शुरू होंगी। हमीरपुर व बिलासपुर जिला के लगभग 52 उप डाकघरों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। प्रदेश के उप डाकघरों में इस योजना के तहत कार्य शुरू हो गया है। टहलीबल चौक में पुलिस के सामने चली लाठियां। औद्योगिक क्षेत्र टहलीबल के मुख्य चौक पर शुक्रवार दोपहर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। मामला बढ़ते देख पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों गुटों को मारपीट को रोकने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन दोनों गुटों ने एक न सुनी व आपस में हाथापाई करते रहे। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार टहलीबल चौक पर एक टाटा सफारी और ट्रक चालक की टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर और बाथड़ी में नशा निवारण केंद्र चला रहे दो युवाओं के बीच गाली गलौज होने लगा। देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। बस स्टैंड के नजदीक लोगों का जमावड़ा लग गया। दोनों तरफ से डंडे व लाठियां भी चलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी भी हुए। हरोली थाना के प्रभारी मनोज कौंडल ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है। जुवाड़ी ने पति ने पत्नी के सिर पर किया कुल्हाड़ी से वार। उपमंडल के एक गाँव में कलयुगी पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता के शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाने की प्रक्रिया भी निपटा ली है। पीड़िता ने पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि गुरुवार शाम वह घर की गैलरी में अपने बेटों संग बैठी हुई थी। इसी बीच वह उठकर अपने कमरे में गई। पीड़िता का कहना है कि इसी बीच कमरे में आने को लेकर पति ने गाली गलौज आरंभ कर दी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, पति ने कुल्हाड़ी से सर पर वार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर बैठे बेटे ने अंदर आकर पति के चंगुल से छुड़ाकर उपचार के लिए PHC समूट पहुंचाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत में नामजद आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर DSP डलहौजी विशाल शर्मा ने मामले की पुष्टि की है।
ऑनलाइन एफडी पर ठगे 7.5 लाख। बिलासपुर के कुठेड़ा के ग्रामीण को शातिरों ने लगाई चपट। जिला बिलासपुर के अंतर्गत झंडुता विकास खंड के तहत गांव कुठेड़ा के एक व्यक्ति को ऑनलाइन अपनी एफडी मैच्योर करवाना महंगा पड़ा है। यह व्यक्ति ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ है। इस व्यक्ति को करीब 7,51,600 रुपए का चूना लगा है। इसके चलते इस व्यक्ति ने अपनी शिकायत पुलिस थाना तलाई में दर्ज करवाई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस थाना तलाई के अंतर्गत गांव कुठेड़ा डाकघर मलांगण के एक व्यक्ति ने एक बैंक में अपनी एफडी करवाई थी। अब एफडी के मैच्योर होने का समय पूरा हो गया था। कोरोना महामारी के चलते इस एफडी मालिक ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन एफडी मैच्योर करने को संबंधित बैंक कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। जिस व्यक्ति ने कॉल उठाई उसने अपना नाम राजेश बताया और कहा कि मैं संबंधित बैंक कस्टमर केयर हेल्पलाइन से बोल रहा हूँ। बकायदा इस कस्टमर केयर नंबर की ओर से इस व्यक्ति को एक लिंक भेजा गया और लिंक खोलने के लिए कहा गया। वही एफडी मालिक ने जैसे ही उस लिंक को खोला उसके बाद खाते से लगातार 6 हिस्सों में पैसे निकाले गए। कुल मिलाकर 6 चरणों में 7,51,600 रुपए की राशि निकाली गई है। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। हिमाचल 365 टीवी, दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वॉचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मैं अनुराग। मैं शिल्पा शर्मा। मैं मोनिका राणा। मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। राजनीति, सामाजिक सरोकार, खेल, कला, संस्कृति, खेत, बागान, अपराध, सजा, विकास और रोजाना हलचल के साथ हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ। पहले दोस्ती फिर 1 लाख की चपट। घुमारवीं के ग्रामीण को तोहफे का लालच देकर महिला ने निकलवाए पैसे। घुमारवीं पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर मामले के आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 तथा आईटी एक्ट की धारा 64D के तहत आपराधिक मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश। कहां से बोलूं सर? आपराधिक मामला दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता का कहना है कि फेसबुक अकाउंट पर एक महिला ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। इसे शिकायतकर्ता ने स्वीकार कर लिया। शातिर महिला ने शिकायतकर्ता से उसका व्हाट्सएप नंबर ले लिया। उसके बाद महिला ने शिकायतकर्ता के साथ चैटिंग शुरू कर दी। 4 जून को महिला ने कहा कि उसके शिकायतकर्ता के लिए अफगानिस्तान से एक तोहफा भेजा है। 7 जून को यह गिफ्ट दिल्ली में पहुंचता है। शिकायतकर्ता ने जब इस पैकेट को ट्रैक किया तो उसकी लोकेशन दिल्ली ही पाई गई। अवैध खनन की शिकायत पर बंदूक से धमकाया। ऊना के नंगड़ा में माफिया ने शिकायतकर्ता को दी मारने की धमकी। नंगड़ा गांव में अवैध व अवैज्ञानिक ढंग से खनन को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले युवक को खनन माफिया द्वारा कथित तौर पर गन पॉइंट पर धमकाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा सौंपे शिकायत के आधार पर ऊना सदर थाना कि मैं भादस की धारा 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को सौंपे शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि गुरुवार रात नंगड़ा गांव में उसके भाई के ढाबे पर खनन माफिया से जुड़े कुछ लोग आए जो कि उसे गन पॉइंट पर ढाबे के पीछे ले गए तथा उसे अवैध खनन को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका को वापस लेने को धमकाया। शिकायतकर्ता ने कहा कि ऐसा न करने पर उसे व उसके परिवार को गोली से उड़ा देने की धमकी दी। अपनी शिकायत में उसने कहा कि नंगड़ा में उसके भाई का ढाबा है तथा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी गांव में ही रहते हैं। वीरभद्र सिंह फिर कोरोना पॉजिटिव, आईजीएमसी शिमला में भर्ती। 60 दिन में दूसरी बार वायरस ने जकड़े। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कोरोना रिपोर्ट 2 महीने के भीतर दूसरी बार पॉजिटिव आई है। गुरुवार देर शाम को तबीयत बिगड़ने पर उनका कोरोना टेस्ट लिया गया जिसके बाद शुक्रवार को आई रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाए गए। आईजीएमसी के कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रजनीश पठानिया ने इस बात की पुष्टि की है। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके वीरभद्र सिंह को कोविड के आइसोलेट वार्ड में दाखिल कर दिया गया है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आए डॉक्टर व स्टाफ को भी आइसोलेट कर दिया गया है। तो आईजीएमसी सवालों में भी घिर रहा है।
दरअसल बताया जा रहा है कि वीरभद्र सिंह का पहले भी सैंपल लिया गया था, लेकिन प्रशासन को मालूम नहीं कि उनकी रिपोर्ट क्या आई। वहीं MS डॉक्टर जनक राज का कहना है कि कई बार डेड वायरस भी शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। प्री मानसून ने हिलाया हिमाचल। गुरुवार शाम गर्जन के साथ हुई जोरदार बारिश से डरे लोग। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में दर्ज की गई बुछारें प्री मानसून की पहली बारिश थी। हालांकि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गुरुवार शाम के समय झमाझम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मंगलवार शुक्रवार को दो दिन के समय प्री मानसून कमजोर रहा है मौसम विभाग की माने तो राज्य में दो दिनों के दौरान मौसम रौद्र रूप दिखाएगा। विभाग द्वारा राज्य में भारी बारिश व तूफान आने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि समूचे प्रदेश में 17 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश हुई है। कांगड़ा में 107, धर्मशाला में 67, अंब में 40, जोगिंद्रनगर में 31, सुजानपुर टेहरा में 25, नूरपुर में 21, पालमपुर में 16, सरकाघाट में 14 और गौहर में 7 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में दो दिनों दौरान बारिश के साथ तूफान चलेगा। राज्य में 17 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। अब बिना टेस्ट के आ सकेंगे सैलानी। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के द्वार खोलने को लेकर भी सरकार ने फैसला लिया है, जहां बाहर से आने वाले लोगों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट खत्म कर दिया गया है। वहीं होटल मालिकों को चल रही ऋण की सुविधा को आगे जारी रखने का ऐलान किया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक अत्यधिक उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए योजना में संशोधन के स्वीकृत प्रदान की गई, ताकि पर्यटन इकाई ऑपरेटर्स को प्रचलित बाजार दरों से कम ब्याज दरों पर कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सके। संशोधित योजना के तहत प्रथम वर्ष में 75% ब्याज अनुदान तथा 5 वर्षों तक भुगतान अवधि बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इस नवीन योजना में रोपवे और ट्रेवल एजेंट जैसी अन्य श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। 1.5 साल से राज्य में पर्यटन इकाइयों पर बड़ी मार पड़ी है। यहाँ पर होटल खुले रखे जाने के बावजूद पर्यटन उद्योग ठप पड़ा हुआ था, क्योंकि बाहर से पर्यटकों का आना बंद था। हमीरपुर पुलिस ने नशे की लाखों रुपए की चरस व ड्रग नाकों के दौरान पकड़ी थी नशे की खेप। पुलिस थाना हमीरपुर ने शुक्रवार को लाखों रुपए के चरस तथा अन्य NDPS ड्रग को आग के हवाले कर नष्ट किया। इस दौरान 2.5 किलो चरस तथा 594 ग्राम अन्य NDPS ड्रग पकड़ी गई। SP हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने बताया कि हर 2 से 3 महीने बाद NDPS मामले में पकड़े गए ड्रग को कोर्ट की परमिशन के साथ नष्ट किया जाता है। शुक्रवार को जिला पुलिस हमीरपुर में पिछले 2 से 3 महीनों में जिला पुलिस ने गश्त के दौरान जो नशे से संबंधित ड्रग तथा चरस बरामद की थी उसे नष्ट किया। मेरे लिए गौरव की बात, श्रीलंका दौरे पर कप्तान बनाए जाने पर शिखर धवन की प्रतिक्रिया। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की अगुवाई की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शुक्रवार को कहा कि यह मौका दिया जाना उनके लिए सम्मान की बात है। भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से 3 वनडे और इतने ही T20 मैच खेलेगी, जो कोलंबो में खेले जाएंगे। चयनकर्ताओं ने श्रीलंका सीरीज के लिए कई नए चेहरों को चुना, क्योंकि मुख्य टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के लिए ब्रिटेन में होगी। धवन ने ट्वीट किया, देश की अगुवाई का मौका दिए जाने के से सम्मान महसूस कर रहा हूं। आप सभी के शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। 45 साल के इस खिलाड़ी ने 34 टेस्ट, 145 वनडे और 65 T20 मैच खेले हैं। भुवनेश्वर कुमार को उप कप्तान नियुक्त किया गया। सीरीज के लिए 5 खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया, जिसमें के गौतम देवदत्त पड्डिकल, नितिश राणा, ऋतुराज गायकवाड़ और चेतन सकारिये शामिल हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलक्वेस्ट न्यूज चैनल। धन्यवाद। हेलो हिमाचल, हिमाचल 365 टीवी सूचना समाचार मनोरंजन एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। दिस इज हिमाचल 365 टीवी एंड यू आर वाचिंग हिलक्विस्ट न्यूज। आई एम गरिमा। मेरा नाम है आशीष। मैं पूजा दीवान। ये है हिमाचल 365 टीवी
और आप देख रहे हैं हिलकुश टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलकुश न्यूज के साथ।